दिवाली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने निर्देश दिए हैं कि पटाखा लाइसेंस जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि पटाखे के फटने के स्थान से 4 मीटर की अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषेध किया जाए। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि को छोड़कर पटाखे आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे की अवधि में आतिशबाजी एवं पटाखे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शान क्षेत्र जैसे अस्पताल, शैक्षणिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र होगा। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि केवल हल्की आवाज के पटाखे का विक्रय किया जाएगा। लाइसेंसी धारक लरिया, कैंकर्स, एरोज, बम, मिसाइल तथा इन्हीं के समय और आतिशबाजी और तेज आवाज करते हो को नहीं बेचेंगे। दुकान पर आग बुझाने हेतु फायर एक्सटिंग्विशर क्षमता 10 किलोग्राम पानी का एक ड्रम व उसके साथ 2 बाल्टी, बालू भरी बाल्टियां व भीगी बोरियां तथा धूम्रपान निषेध बोर्ड के समुचित संख्या रखना जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि दुकान अथवा पात्र जिसमें विस्फोटक रखे जाएं वह केवल विस्फोटक रखे जाने के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। विक्रय स्थल पर किसी प्रकार तेल, माचिस, रंग, लाइट्स व अत्यधिक ज्वलनशील कोई पदार्थ अथवा विस्फोटक प्रकृति की कोई वस्तु जिससे आग लग सके अथवा विस्फोट हो सके तो ना लाई जाएगी और ना ही रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी SDM से कहा है कि वह अपने तहसील क्षेत्र अंतर्गत दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में किसी भी स्थान पर विस्फोटक सामग्री का अवैध रूप से भंडारण ना होने पाए।